मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब दुकानों के लिए नया आदेश जारी किया है। प्रदेश में शराब कारोबारी अब दिन के हिसाब से ड्यूटी चुकाकर शराब दुकान चालू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों ने सरकार से समन्वय नहीं होने पर शराब दुकानों के लाइसेंस आबकारी विभाग को सरेंडर कर दिए थे, लेकिन कोर्ट द्वारा कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है कि नई आबकारी नीति के तहत दिन के हिसाब से आबकारी ड्यूटी जमा कर शराब दुकान देने का फैसला कर लिया है। अधिकतम एक सप्ताह और चार सप्ताह तक दुकानें दिन के हिसाब से आबकारी ड्यूटी जमा कर ठेकेदारों और नए कारोबारियों को भी मिल सकती है, जिसके तहत अन्य जो पुराने व्यवसायी हैं या कोई भी व्यक्ति प्राइवेट पर्सन है उनको हमारे द्वारा इन ठेकों का चलाने के लिए प्रति सप्ताह की लाइसेंस फीस के आधार पर या प्रति दिवस की लाइसेंस फीस के आधार पर 7 दिवस के लिए अधिकतम दी जा सकेगी। ये 7 दिवस की अवधि अधिकतम 4 सप्ताह की हो सकती है, उसको बढ़ाने का अधिकार आपका रिएक्ट महोदय को होगा। तो इसमें हम अभी हम टेंडर कॉल करेंगे जिसमें जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो अपना ऑफर दे सकेगा। इसका आरक्षित मूल्य वही होगा जो उस मदिरा दुकान या मदिरा दुकान के समूह का इस वर्ष का आरक्षित मूल्य या प्राप्त मूल्य रहा है, जो अधिक है वो रहेगा।